फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं टीकेसी टेक और मैं हूं आपके साथ पीयूष। और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा, आपको अपने चैनल पे पेज क्रिएट करना है, वो भी आपके कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। जैसे अगर आप चाहते हो कि आपको भी लोग आके किसी और तरीके से आपसे पर्सनली कॉन्टेक्ट करे, और आप चाहते हो कि वो आपको सारा डिटेल दे दे, आपके मतलब आप चाहते हो आपके वेबसाइट में एक पेज ऐसा हो या एक जगह ऐसा हो जहां पे क्लिक करके लोग आपसे पर्सनली कॉन्टेक्ट के लिए इन्फॉर्मेशन डाल पाए और आपका भी इन्फॉर्मेशन ले पाए, तो आपको क्या करना है, बस चैनल पे बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको मैं आज सिखा सकूं आपको अपना कॉन्टेक्ट फॉर्म कैसे डालना है अपने ही वेबसाइट पे, पेज क्रिएट करना होगा उसके लिए, और उसको फिर ब्लॉगर में, ब्लॉगर का पोस्ट में या कहीं और कैसे डाला जाता है। तो चलिए पूरा ट्यूटोरियल बताऊंगा और चैनल पे बने रहिएगा तो सब कुछ जानने मिलेगा। तो एडसेंस का अल्टरनेटिव के ऊपर सीरीज देखा कि नहीं? एडसेंस का अल्टरनेटिव के ऊपर भी वीडियोस ला रहा हूं, तो वो जाके देख लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाले बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते अपने लैपटॉप के स्क्रीन। तो फ्रेंड्स, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपको पता है कि मैं अभी लैपटॉप में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छा से दिखे। मोबाइल में भी आप पूरा इसको जैसा प्रोसेस यहाँ करूंगा वैसा आप मोबाइल में भी कर सकते हैं डेस्कटॉप साइड में जाके, वरना नॉर्मली जैसे आपको करना है क्रोम ब्राउजर में चल जाइए। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद आपको यहाँ लिखना है गूगल कॉन्टेक्ट फॉर्म, गूगल कॉन्टेक्ट फॉर्म लिखना है। गूगल कॉन्टेक्ट फॉर्म लिखने के बाद आपको कुछ नहीं देखना है, मैं जो वेबसाइट बताऊंगा उसी पर जाइएगा सिर्फ। देखिए कुछ नहीं देखना है यहाँ पे, जो गूगल फॉर्म्स, देखिए गूगल फॉर्म्स ऑनलाइन, देखिए देख लीजिए एक बार, इसी वेबसाइट पे जाना है .com फॉर्म्स, देख लीजिए स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए कि ऐसा होना चाहिए, और इस आदमी का पिक्चर हो सकता है या किसी का भी, देख लीजिए पूरा ये वाला चीज पे, इसी पे आपको क्लिक करना है। इस पे जाने के बाद आपको सिंपली यहां पे चल जाना है, गो टू गूगल फॉर्म्स। गो टू गूगल फॉर्म्स में जाने के बाद अगर आपके सामने कोई और वेबसाइट आ जाएगी गूगल फॉर्म्स में है तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए ऐसा करके आ गया। आपको इसको क्या करना है, बस सिंपली एक ब्लैंक पेज ले लेना है या क्रिएट पे ब्लैंक कर लीजिए। ब्लैंक किया मैंने, ब्लैंक ले लिया, इस टाइप का होगा आपका। आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिखना है वो आप लिख सकते हो। देख लिए, मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया कि कॉन्टेक्ट फॉर्म में जो भी मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहता है उसको अपना नाम बताना है, मुझे शॉर्टली बताना है कि लंबा बताना है, उसको अपना नाम के साथ कुछ और बताना है तो पैराग्राफ कर दीजिए, वरना अगर सिर्फ नाम बताना है तो शॉर्ट आंसर कर दीजिए। एक चीज हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे, यहाँ ऐड क्वेश्चन के टैग पे सबसे शुरुआत में यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नेम वाला हो गया, और नेम वाला में एक चीज बता देता हूँ आपको कि इसको ऑन कर दीजिएगा। इसको ऑन कर दीजिएगा आप तो उस, अगर मान लीजिए वो अपना नाम नहीं भरना चाहता है लेकिन आपको उसका नाम जरूरी है तो वो नाम भर के ही जाएगा, उसके बिना उसका कॉन्टेक्ट फॉर्म पूरा नहीं होगा। अब दूसरा, मैं आपको ईमेल मांग लीजिए, ईमेल और इंस्टाग्राम id.did हो गया। ये जो है इसको भी नेसेसरी कर दीजिए, जो जो चीज नेसेसरी है उस पर रिक्वायर्ड कर दीजिए, और जो जो रिक्वायर्ड नहीं है उस पर आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अगर उसको, उसके बिना भी चल जाएगा, अगर फॉर्म भर देगा तो लोग आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिर ऐड पे क्लिक कीजिए, एक और क्वेश्चन ऐड कर दीजिए, योर प्रॉब्लम और मैसेज, MESSAGE मैसेज, ऐसा करके और मैसेज ही और प्रॉब्लम को पैराग्राफ में देना है या शॉर्ट में बस बता देना है, उसका सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं चाहता हूँ पूरा अच्छा से एक्सप्लेन कर दे, और यहाँ पे ब्रैकेट में आप, सॉरी मैं लिख देता हूँ मैसेज, MESSAGE मैसेज, फुल्ली फुल्ली एक्सप्लेन्ड, EXPLAINED एक्सप्लेन्ड इन 50 words, WORDS words, ऐसा करके लिख दिया ताकि उसको पता चले कितना words में लगभग में बताना है। तो ऐसा करके कर दिया, इसको भी required field कर दिया और इसको off कर, इसको ऐसे कर दिया। अब इसके बाद आपको अगर इसमें theme का change करना है तो यहाँ देखिए आपको
एड साइड एंड डिस्क्रिप्शन फोटोज भी लगा सकते हैं आप, एड वीडियो भी कर सकते हैं, वीडियो भी आपको बीच में लगा सकते हो या कोई भी फोटो लगा सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो कोई भी फोटो या वीडियो, यहाँ पे देखिए वीडियो कर सकते हो, यहाँ देखिए एड, ये क्या एड सेक्शन कर सकते हो। अब चलिए मैं आपको कुछ सिखाता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चंस हो गया जो आपको फॉर्म में जो जो चीज लोग भरेगा, अब उसके बाद रिस्पॉन्सिव पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिव या ऑफ कर दीजिएगा तो ये मैसेज पर रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, ये दिक्कत नहीं होता, ये मतलब ऑन ही रहता है, इसको ऑन ही रहने दीजिएगा। अनटाइटल्ड फॉर्म है तो यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ फॉर्म का, टू कॉन्टेक्ट मी, और यहाँ पे आप अपना कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, मैं अपने वेबसाइट का नाम दे देता हूँ pkctechyt.blogspot.com। अभी तो मैंने blogspot.com में बनाया, अगर आपको सीखना है कि फ्री वेबसाइट कैसे बनाया जाता है तो आई बटन पे लिंक दे दूंगा, उससे आप सीख जाएंगे। ये हो गया मैं वेबसाइट का ऐसी दे दिया, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो यहाँ पे कलर है, कलर के कस्टमाइजेशन पे टिपने के बाद आप कस्टमाइज कलर भी कर सकते हो, यहाँ पे आप प्रीव्यू भी देख सकते हो, देखिए प्रीव्यू, ये आई के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आप कुछ सेटिंग्स चेंज करना चाहते हो तो सेटिंग्स चेंज मत कीजिएगा, बहुत दिक्कत होता है फिर उसको वापस करने में। और फिर सेंड पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, सेंड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने को इस टाइप का आएगा, डायरेक्ट लिंक वाला आएगा और यहाँ पे HTML कोड आएगा। अगर आपको डायरेक्ट लिंक अगर किसी भी वीडियो के नीचे देना है तो आपको ये वाला कॉपी करके लगा देना है। और एक बात बताता हूँ, ये जो आप सेव कर देंगे, सेंड कर देंगे, ये आपका ड्राइव में सेव हो जाएगा, ड्राइव होता है ना गूगल ड्राइव, उसमें सेव हो जाएगा ये, तो आप वहां से इसका लिंक उंक ले सकते हैं। तो यहाँ पे HTML कोड पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ HTML कोड को कॉपी करने के बाद Ctrl+C अपने वेबसाइट में चल जाइए, वेबसाइट में जाने के बाद पेज पे जाइए, वेबसाइट में जाने के बाद पेजेस में गए, पेजेस में जाने के बाद यहाँ मैंने पहले से ही किया हुआ है, देखिए पर्सनल इन्फो, तो यहाँ पे मैं एड्स भी लगा सकता हूँ, एड्स आपको कैसे लगाने और एडसेंस का अल्टरनेटिव कैसे करना उसका भी लिंक आई बटन पे है, जाके देख लीजिए। और आपको यहाँ से सिंपली सब कुछ हटा देना है, सब कुछ, ये सब कुछ हटा देना जो भी है यहाँ पे, जो भी होगा वो सब कुछ हटा देना है। यहाँ पे HTML एडिट पे क्लिक करने के बाद, एडिट HTML पे क्लिक करने का, सब कुछ हटाने के बाद आपको Ctrl+V कर देना है, Ctrl+V कर देना है, जिससे आपका सब कुछ पेस्ट हो जाएगा, ये वाला कोड पेस्ट होगा और वहां पे देख लीजिएगा आपका कॉन्टेक्ट फॉर्म रेडी हो जाएगा। प्रीव्यू दिखा देता हूं मैं आपको, देखिए मेरा ऐसा कॉन्टेक्ट फॉर्म का प्रीव्यू दिखेगा, देखिए ये सब एड्स है मेरा और यहां पे देखिए देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म का दिख रहा है आपके सामने, बस यही है, हो गया, बस सिंपल सा चीज था। और मैं आपको बता देता हूँ फ्री वेबसाइट कैसे क्रिएट किया जाता है, वो आपको जाना है आई बटन पे लिंक, और यहाँ पे अगर आपको मान लीजिए आपके नीचे में मतलब वीडियो के नीचे में देना है, यूट्यूब वीडियो के नीचे में, तो आप इसको क्लिक करके Ctrl+C कीजिए, यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इसको पेस्ट कर दीजिए, ऊपर में जो भी आपको हेडिंग लिखना है किस चीज के लिए ये, वो भी कर सकते हो आप, कहीं पे भी इस लिंक को शेयर कर सकते हो, ये HTML कोड को आप लगा सकते हो अपने वेबसाइट में, और यहाँ से आप ईमेल भी कर सकते हो किसी को। और आपको ये सब करने के बाद कुछ नहीं करना है, बस क्रॉस कर देना है, ये क्रॉस कर दिया आपने और ये आपका वहां पे ड्राइव में पेस्ट हो जाएगा, ड्राइव में चल जाएगा, ताकि आप वहां से कभी भी किसी को लिंक लेके ये वाले चीज को लगा सको। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस करके लाइक कर दीजिएगा वीडियो को।